अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। सदी के महानायक और अभिनेता अमिताभ बच्चन अपनी सदाबहार एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए। अब उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। देखें अमिताभ बच्चन ने पुरस्कार मिलने के बाद क्या कुछ कहा। अपार हर्ष और करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अमिताभ बच्चन जी का। श्री अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट और अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के इस सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाता है। अमिताभ बच्चन वो प्रतिभावान अभिनेता हैं जिनके अभिनय ने अनेक पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया है और उनको प्रेरित भी किया है। वे दशकों तक भारतीय युवाओं की भावनाओं के प्रतिबिंब रहे और अपनी प्रतिभा से किरदारों को सशक्त बनाया। उन्होंने अपने अभिनय की प्रवीणता से प्रत्येक चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जिसने दर्शकों पर समुचित प्रभाव डाला और उनके हृदय को छुआ। श्री अमिताभ बच्चन की बहुमुखी अभिनय प्रतिभा भारतीय फिल्म जगत में निरंतर 5 दशकों से अधिक की अभिनय यात्रा जो कि विभिन्न अविस्मरणीय पात्रों के जरिए सदैव अमर है के लिए ये प्रशस्ति प्रदान की जाती है। श्री अमिताभ बच्चन। भारत के राष्ट्रपति माननीय और परमादरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता देवी और सज्जनों, मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी जूरी के सदस्य उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। अनेक धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म उद्योग में भाग लगने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज़ टाइम्स 24 को।